दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो, ये है ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए के सामने की साइड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल बी के सामने की साइड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगल सी के सामने की साइड को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने खींची इसकी हाइट, क्या हाइट। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा हम देखते हैं, इसका पेरीमीटर। परिमाप, परिमाप क्या होता है, सम ऑफ साइड्स या सम ऑफ बाउंड्री, यानी कि भुजाओं की लंबाई का योग। तो वो क्या होगा, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हुआ इसका परिमाप। अब देखेंगे हम इसका सेमी पैरामीटर। इसे बोलते हैं हिंदी में अर्ध परिमाप। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। तो वो क्या होगा अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। दोस्तों अब देखते हैं इसके एरिया के बारे में। एरिया, इसे हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, इसका नाम है रोन्स फॉर्मूला। तो इसमें हम एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इसे क्या बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर जहाँ एस इक्वल टू सेमी पैरामीटर, और ए बी सी क्या है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी है त्रिभुज की भुजाएं। और हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है ट्रायंगल में या त्रिभुज में जब हमें हाइट गिवन हो, वो क्या होता है एरिया का एक फॉर्मूला होता है वन अपॉन टू बेस, बेस क्या है ए, बेस इंटू हाइट, एक बटे दो आधार गुना ऊंचाई। तो ये क्या है एरिया और ये भी क्या है एरिया। तो जब जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो वन बाई टू बेस इंटू हाइट इक्वल टू होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के। तो एच इक्वल टू होगा दोस्तों टू अपॉन बेस अंडर रूट एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ से हम हाइट या ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला हुआ हमारा ये। अब देखते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस ऑफ स्केलन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या। सरकम रेडियस को बोलते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या होती है? ये है सर्कल, ये है ट्रायंगल। जब हम इसका सरकम सर्कल हैं तो जो उसकी रेडियस होगी उसे बोलते हैं परित्रिज्या। ये क्या होगी? इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम परित्रिज्या को कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर बराबर होगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है? एरिया। अब देखते हैं इन रेडियस। अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या ये है ट्रायंगल। जब हम इसके अंदर जो सर्कल खींचते हैं उसको बोलते हैं इन सर्कल, यानी अंतः वृत्त। इसकी जो रेडियस होगी उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर बराबर होगा डेल्टा अपॉन एस। एस क्या है? सेमी पैरामीटर। और डेल्टा क्या है? डेल्टा है एरिया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।